Good morning, class. We are doing chapter number 27 advertising, and today's topic is inequality and advertising. Advertising is all about showing that a particular product is better than others. Its very aim is to show that all products and their users are not equal. You must have noticed that advertisement creates stereotypes about what is healthy, what is beautiful, what kind of person should be considered smart or successful. How love and happiness should be expressed, and so on. Those who do not fit into these stereotypes are shown in the inferior. Often, people buy an advertised product in preference to similar but cheaper products because they believe that this will win them other people's admiration. And those who cannot afford to buy the product feel deprived and are afraid that others will look down on them. This creates a gap between those who can buy a product and those who cannot. तो इसमें इस पैराग्राफ में, इस में क्या है कि जो एडवर्टाइज़मेंट है वो हमेशा किस लिए की जाती है ये दिखाने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट से ज़्यादा बेहतर है तो इसका एम जो वो क्या होता है कि ऑल प्रोडक्ट एंड देयर यूज़र्स आर नॉट इक्वल कि सारे के सारे प्रोडक्ट और सारे यूज़र्स एक जैसे नहीं होते हैं तो इसलिए जो एडवर्टीज़मेंट है वो एक भेदभाव की भावना जो है वो लोगों के दिमाग में डाल देती है वो किस तरह डालती है कि एड्स के थ्रू आप देखते हो कि ये चीज़ खानी हेल्दी है ये चीज़ ज़्यादा सुंदर है और कौन से लोग स्मार्ट होते हैं और कौन से सक्सेसफुल होते हैं कैसे प्यार और खुशी को जीता जाता है कैसे एक्सप्रेस किया जाता है तो इस तरह के एड्स हम देखते हैं लेकिन जो लोग इस चीज़ में फिट नहीं होते जैसे आ, क्रीम्स की ऐड होती है कॉस्मेटिक्स की तो उसमें सुंदर लोगों को लिया जाता है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्लैक हैं वो आर नॉट वेरी स्मार्ट तो उन लोगों के लिए ये जो चीज़ें हैं ये भेदभाव का कारण बन जाती हैं और लोग कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐड के चक्कर में ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं जो कि एक्चुअल में इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन वो सिर्फ़ ऐड दिखाने के लिए दिखावा करने के लिए उस तरह के प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं और जो लोग उन प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते या खरीद नहीं सकते उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने ये चीज़ नहीं पहनी होगी या इस प्रोडक्ट को हमने इस्तेमाल नहीं किया तो हम अपनी सोसाइटी में लो फील होगा हमें तो इसकी वजह से एडवर्टीज़मेंट की वजह से एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है जिसकी वजह से भेदभाव होने लगता है नेक्स्ट पैराग्राफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर मोर एक्सपेंसिव दैन प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ब्रांडेड We often think that brand products cost more because they are of better quality than other products, as the advertisement claim. Therefore, if we cannot afford to buy these products for our loved ones, we feel guilty for not giving them the best. However, the price of a branded product is highly high, largely because the cost of the packaging and advertising is included in it. This makes quite a big difference as advertising is expensive. अक्सर ये हम ये सुनते हैं कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं और जो नॉन ब्रांड ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ते होते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो क्वालिटी है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की वो काफ़ी अच्छी होती है और उनकी एडवर्टीज़मेंट में भी हम यही देखते हैं कि हम जो है आपको अच्छी क्वालिटी देंगे लेकिन हमें काफ़ी बार बहुत बुरा लगता है जब हम अपने करीबी के लिए अपने दोस्तों के लिए एड जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो नहीं ख़रीद पाते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो हमारे नॉन ब्रांड प्रोडक्ट से ज़्यादा बेहतर है जैसे कि और उनका जो ब्रांडेड प्रोडक्ट का प्राइस है वो ज़्यादा हाई होता है क्योंकि उनमें एडवर्टीज़मेंट की कॉस्ट पैकेजिंग की कॉस्ट सब इंक्लूड होता है इसकी वजह से ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये काफ़ी महंगी होती है और इसकी वजह से ये फर्क करने लग जाते हैं लास्ट पैराग्राफ द फैक्ट दैट एडवर्टाइजिंग इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो अफेक्ट स्मॉल मैनुफेक्चर हु कैन अफोर्ड टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट we usually prefer to buy branded product because of good things advertisements say about them we also start thinking that product that are not advertised are not good and stop buying them this make it difficult for small manufacturers to sell their product this widens the gap between small and large manufacturers Ab kya hota hai? advertisement तरीका है अपने प्रोडक्ट को बेचने का लेकिन जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं उठा सकते लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि जो प्रोडक्ट ब्रांडेड है और जिनके बारे में ऐड में अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं वही प्रोडक्ट हमें ख़रीदने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है कई बार क्या होता है कि जो अच्छे प्रोडक्ट हैं जिनकी ऐड नहीं आती लोग उनको ख़रीदना बंद कर देते हैं और उन्हें लगता है कि शायद इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि हमने इसका कोई भी नाम या कोई भी ऐड इसकी नहीं देखी तो जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके लिए अपने प्रोडक्ट को बेचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इसके लिए इसके कारण जो स्मॉल और लार्ज मैन्युफैक्चरर्स में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है योर चैप्टर इज़ ओवर होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर थैंक यू सो मच